अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल फायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 3 बायोडिवर्सिटी हमने स्टार्ट किया हुआ है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ मेथड ऑफ लीविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई शॉर्ट डेफिनेशन आती है, व्हाट इज अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो आप उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा याद रहे कि बुक जो है वो सेम है, सिर्फ ये लैंग्वेज का डिफरेंस है। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा मेथड है जिसमें साइंटिस्ट जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को या जानदारों को साइंटिफिक नेम देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतना अपने माइंड में बिठा लें तो काफी है, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसा मेथड है जिसमें साइंटिफिक नेम जो है वो दिए जाते हैं किनको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एज अ वर्ड बाइनोमियल सजेस्ट द साइंटिफिक नेम, ठीक है। बाइनोमियल का जो है वर्ड जो है बाइनोमियल, ये साइंटिफिक नेम सजेस्ट करता है। वो स्पेशीज कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। अब जो बाइनोमियल है वो किसी भी स्पेशीज का साइंटिफिक नेम तजवीज करेगा, और वो जो साइंटिफिक नेम होगा वो दो नेमों पे मुश्तमिल होगा, टू नेम्स पे मुश्तमिल, दो नाम होंगे। द फर्स्ट इज जीनस, साइंटिफिक नेम का जो पहला नाम होगा वो जीनस का नाम होगा। एंड द सेकंड वन इज द नेम ऑफ स्पेशीज, और जो सेकंड होगा वो स्पेशीज का नाम होगा, ठीक है। पहला जीनस, जिस स्पेशीज का भी साइंटिफिक नेम होगा वो हम देखेंगे कि दो लफ्जों पर मुश्तमिल होगा, पहला जीनस को जाहिर करेगा, दूसरा स्पेशीज को जाहिर करेगा। अब स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कैरलस लीनियस, इसका जो ड्यूरेशन है, उसने फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब सबसे पहले स्वीडिश बायोलॉजिस्ट है कैरलस लीनियस, इसने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अडॉप्ट किया, मुतारफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। ये सिस्टम स्प्रेड रैपिडली एंड बिकम पॉपुलर, बहुत तेजी से आम मकबूलियत हुई इसके सिस्टम की। मैनी ऑफ हिज नेम आर इन यूज टूडे, बहुत से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो इन्होंने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनको साइंटिफिक नेम दिए अभी भी यूज हो रहे हैं। अब सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड वाइल सजेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग साइंटिफिक नेम आर, अब जो कुछ जो रूल्स हैं जानदारों को साइंटिफिक नेम देने के, स्टूडेंट्स उनका जिक्र करते हैं। वो रूल्स ये होंगे, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देंगे तो ये तीन रूल्स आपने याद रखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी लॉन्ग क्वेश्चन का कोई पार्ट आ सकता है कि आप वो रूल्स लिखें जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं साइंटिफिक नेम देने के लिए, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक, आप सबसे पहले ये बात माइंड में बिठा लें कि जब भी साइंटिफिक नेम टाइप करना है तो इटैलिक में टाइप करना है, ये इटैलिक वर्ड है, यानी आप अल्फाज को थोड़ा टेढ़ा करें, ठीक है। तो वर्ड जो एमएस वर्ड है वो इसको थोड़ा आई से, कंट्रोल आई से वर्ड कोई भी टाइप करें, कंट्रोल आई टाइप करें तो वो इटैलिक हो जाएगा, होम्योसेपियंस, ठीक है, ये वर्ड इटैलिक है। इसलिए जब भी साइंटिफिक नेम लिखना है, अगर टाइप करना है तो होम्योसेपियंस जो है अब इटैलिक में है, तो जो भी आपने साइंटिफिक नेम टाइप करना है वो इटैलिक फॉन्ट में हो, इटैलिक हो, ठीक है, स्टाइल उसका इटैलिक हो, ठीक है। व्हेन हैंड राइटिंग दे आर अंडरलाइन, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं किसी भी स्पेशीज का साइंटिफिक नेम तो आपने क्या करना है, उसके नीचे लाइन लगा देनी है, होमोसेपियंस लिखने के बाद लाइन लगा देनी है। अगर आप टाइप करते हैं तो आपने इटैलिक कर देना है, एक असूल। दूसरे नंबर पे द फर्स्ट टर्म जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, यहाँ पे देखें कि ये एच जो है होमोसेपियंस ये कैपिटल से स्टार्ट होगा, एच, ठीक है। व्हाइल स्पेशीज नेम इज नेवर कैपिटलाइज्ड, आगे सेपियंस स्पेशीज का नाम है और एस कैपिटलाइज नहीं है, ठीक है, ये स्मॉल लेटर है। इवन व्हेन डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम, ठीक है, इवन यहां तक कि आप अगर प्रॉपर नेम भी है, ठीक है, तो वो भी जो फर्स्ट उसका होगा जीनस होगी वो कैपिटलाइज करेंगे, और जो स्पेशीज होगी वो आप उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। थर्ड इसका रूल है द साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल When it is first used, जब आपने किसी स्टेटमेंट के अंदर, किसी कॉलम के अंदर आपने साइंटिफिक नेम लिखना है तो सबसे पहले आपने कंप्लीट नेम लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
होमो सेपियंस अगर फर्स्ट टाइम आपने लिखना है तो ये कंप्लीट नेम लिखेंगे आप, फर्स्ट किसी भी पैरे के अंदर आप लिखेंगे तो पहले होमो सेपियंस लिखेंगे। इसका मतलब होगा कि जिक्र होमो सेपियंस का या इस साइंटिफिक इस स्पेशीज का जिक्र स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब किसी ऑर्गेनिज्म का जिक्र है उसके बाद क्या होगा, बट व्हेन सेवरल स्पेशीज फ्रॉम द सेम जीनस आर बीइंग लिस्टेड, ठीक है, इट मे देन बी एब्रीविएटेड बाय जस्ट यूजिंग एंड इनिशियल फॉर जीनस। तो फिर आप क्या करेंगे कि जीनस को आप इनिशियल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आप इचिकिया कोलाई लिखेंगे तो ई जो है ये आप शॉर्ट करते जाएंगे, ठीक है, एब्रीविएशन, उसके बाद कोलाई जो है स्पेशीज का नाम जो है वो आप मुकम्मल लिखते जाएंगे, और जो जीनस है उसका सिर्फ वन वर्ड कैपिटलाइज करने के बाद वहां पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आज के लेक्चर के अंदर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।